नमस्ते, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुआ की दाल। आइए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने उड़द की दाल ली है आधी कटोरी, इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। ये छिलके वाली दाल है उड़द की, इसको हम कुकर में डाल देंगे। और दो कटोरी हमने ये बथुआ का साग लिया है, इसको हमने अच्छे से धुल के काट लिया है। चार पांच बार हमने धुला है इसको, इसको इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जिस कटोरी से हमने सब चीज नापा है उसी से एक कटोरी इसमें हम पानी डाल देंगे और ये तीन सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। गैस हमने ऑन कर ली है और कुकर हमने रख दिया है, इसको तीन सीटी आने तक पकाना है। उसके बाद हम तीन सीटी आ चुकी है, एक कुकर हमारा ठंडा हो गया है, दाल हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। दो चम्मच हमने देसी घी लिया है, अब हम दाल को फ्राई करेंगे, ये मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम हमने लहसुन काट लिया है गाड़ी, एक बार चम्मच लहसुन में कटा हुआ इसको हम डाल देंगे इसमें। यहाँ फ्राई हो जाए, लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें वन टीस्पून डाल देंगे जीरा, वन टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और वन फोर टेबल स्पून डालेंगे हींग और ये चार खड़ी मिर्च है इसको डाल देंगे। इसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये हमने दो टमाटर बारीक काट लिए हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, दाल में हमने नमक डाला था पहले, तो टमाटर हमारे गल जाए अच्छे से। टमाटर हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम जो हमने पकाई थी दाल उसको डाल देंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे, आपको जितनी पतली दाल रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए।
इसको हमें 2-3 मिनट तक पकाना है, अच्छे से इसमें उबाल आ जाए 2-3 बार, बस ये दाल बन के हमारी रेडी है। दाल हमारी अच्छे से उबल गई है 2 मिनट तक। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। ये दाल बन के हमारी रेडी है। ये बथुआ की दाल बन के हमारी रेडी है। आप लोगों को हमारे बथुआ दाल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।